एबीपीएस न्यूज़। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा में स्थित ग्राम श्यामपुर हादीपुर पड़ा। लगभग 5600 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान सरोज देवी हैं। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए हैं। लगभग 2000 वोटर वाला यह गांव विकास की राह पर अग्रसर है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 225 बच्चे अध्ययनरत हैं। जब एबीपीएस न्यूज की टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया वर्तमान प्रधान ने गांव में 20 हैंडपंप लगवाए हैं, लेकिन अभी भी सरकार से कुछ और हैंडपंपों की मांग है जिससे ग्रामीणों को पेयजल दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगभग 102 बिजली के पोल एवं 4 ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। उन्होंने गांव में सीसी टाइल्स रोड में खडंजों का निर्माण भी कराया है। वहीं प्रधान द्वारा गांव के साफ सफाई, विकास एवं शांति पर पूरा जोर रहता है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान ने गांव में पक्का नाला, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, सीसी रोड निर्माण वे पार्क के सौंदर्यकरण की राज्य सरकार वे केंद्र सरकार से मांग की है। और ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है जिससे गांव में बीमारी फैलने का डर लगा हुआ है। इस ओर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। ग्राम प्रधान पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम श्यामपुर हादीपुर, विकासखंड भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद। गांव में विकास कार्य को गति दी जा रही है। धीरे धीरे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ रास्ते, नालियां, खंजे करा दिए हैं, आरसीसी टाइल्स वगैरह लगवाई है। और गांव में स्कूल का जो है कार्य कराया है। स्कूल में शौचालयों का गंदे हो रहे थे, शौचालय वो कराए थे। आंगनबाड़ी तो थोड़ा गंदगी थी, वो साफ कराई, उसको बाउंड्री कराया है। और पंचायत घर को सौंदर्यकरण किया है और रास्ते वगैरह बनाए हैं गांव में। और कोशिश है कि आगे भी विकास कार्य कराते रहेंगे। सरकार जितना पैसा दे रही है उसी हिसाब से हम सारा पैसा विकास कार्यों में लगा रहे हैं। और सरकार जिस हिसाब से योजनाओं का आगे को क्रियान्वयन कराएगी, हम उसी हिसाब से योजनाओं को लाभार्थियों को लाभ दिलाते रहेंगे। गांव में जितनी भी विधवाएं हैं, विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है और वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, विकलांग पेंशन दी जा रही है। जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं व्यक्तियों को लाभ देने की। और हमने जो है पंचायत भवन कराई दिया है और शमशान घाट का जो है कार्य चल रहा है इस समय मौके पर। बारात घर की बहुत बड़ी तंगी रहती है, वहाँ पे जगह नहीं है कोई बारात को रोकने के लिए, तो वो हमने उसके लिए भी शासन को भेज दिया है। और गांव में पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांव में पानी का जो है, एक तालाब है गांव के बराबर में, उसी में जाता है, वो तालाब उफान पे है तो पानी की निकासी नहीं है गांव में। हमें एक लंबे नाले की आवश्यकता है जिससे वो नाला अगर हमारा हो जाए तो हम पानी की निकासी सही कर सकें, उसको नहर तक जो है पानी को पहुँचा सकें गाँव से। और गांव से निकलने के बाद स्कूल के बराबर से रास्ता जाता है, वो हमारा गांव का मेन रास्ता है। उस रास्ते पर बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाती है। अपेक्षा है, सरकार से अनुरोध है कि ये बात हमारी पहुंचाई जाए और जो है गांव को जो सुविधाएं हैं, जो भी है, धन की उपलब्धता कराई जाए जिससे हम विकास कार्यों को गति दें। देरी काम करते करते खेती में मर गए, क्या करें, कोई लाभ नहीं दे रही सरकार। हाँ साहब, बड़े विकास कर रहे हैं गांव के अंदर, बड़े विकास कर रहे हैं, तीनों गांव के अंदर बड़े विकास कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई आज तक शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं काम हो रहा। तो